नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज टॉपिक लेके आया हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको टाइप नंबर वन, यहां पे आप देख रहे हैं टाइप नंबर वन लिखा हुआ है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको पहले बताऊंगा अच्छे, और फिर मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा लेंथी मेथड से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, वन अकाउंट में वन इंटू टू प्लस वन अकाउंट में टू इंटू थ्री प्लस वन अकाउंट में थ्री इंटू फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक है? 99 इंटू 100 तक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिक क्या लगाएंगे, इस सभी क्वेश्चंस का एक ट्रिक है, वो ट्रिक है आपका वन बाय फर्स्ट माइनस वन अकाउंट में लास्ट। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं पहले आपको इस ट्रिक से बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वन अकाउंट में फर्स्ट, लेकिन इस ट्रिक को लगाने से पहले आप उसे ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में गैपिंग होना चाहिए वन का, जैसे कि वन इंटू टू वन का गैपिंग है, टू इंटू थ्री वन का गैपिंग है, थ्री इंटू फोर वन का गैपिंग है, 99 इंटू 100 वन का गैपिंग है। हम क्या करेंगे, वन अकाउंट में फर्स्ट, वन बाय फर्स्ट माइनस वन अकाउंट में लास्ट, वन अकाउंट में 100। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 100 माइनस वन। जब दो फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। आंसर इज 99 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में भी यही सेम होगा, इसको ब्रेक करना है, इसमें ब्रेक करके दिया हुआ है, इसलिए आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कि 5 × 6, दुनिया में यही एक ऐसा नंबर है कंजुगेटिव नंबर 5 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 30 आएगा, फिर आएगा आपका 6 × 7, फिर हो जाएगा आपका 7 × 8, फिर होगा आपका 8 × 9, क्योंकि 8 × 9 होता है 72, 9 × 10 90, 10 × 11 110, फिर वही ट्रिक चलेगा, 1/1 मैं यहां बना रहा हूं, 1/1 यानी 1/5 माइनस 1/लास्ट मीन्स 1/11, इसको सॉल्व करने पे कितना होगा, 11 बन जा 11, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5, और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, आंसर इज 6/55। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका भी सेम है, इसको लिख सकते हैं 4 × 5, इसको लिख सकते हैं 5 × 6, इसको लिख सकते हैं 6 × 7। वैसे मुझे यहां से लेकर के और यहां तक लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को लिखना है बस। इसको लिख सकते हैं 7 × 8, इसको लिख सकते हैं 8 × 9, इसको लिख सकते हैं 9 × 10। ओके, फिर वही चलेगा, आप देख सकते हैं बीच में 1 1 का गैपिंग है, 5 × 6 6 × 7 7 × 8 8 × 9 9 × 10, यहाँ भी वही ट्रिक लगाएंगे, 1/1 यानी कि 1/4 माइनस 1/लास्ट यानी कि 1/10, ये आपका हो जाएगा 10 − 4 डिवाइडेड बाय 4, को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरा हो जाएगा 40, आंसर इज 6/40, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से कैंसिल होगा, आंसर इज 3/20। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक खास बात है, 9 1/9 दिया हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट में कभी कभी ऐसा एक नंबर दे देता है जो कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक नहीं होता है, तो इसको आपको क्या करना है, छोड़ना है, जहां से पैटर्न बनेगा हम वहां से सॉल्व करेंगे। आप देखिए 9 ब्रेक नहीं होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3, फिर ये हो जाएगा 3 × 4, फिर ये हो जाएगा 4 × 5, ये होगा 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, ये क्या होगा, 8 × 9। इसका मतलब पैटर्न जहां से बना है हम ट्रिक उसी में लगा सकते हैं, ये नंबर एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंफ्यूजन के, हम क्या करेंगे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/9, इसको छोड़ देंगे जो जिसका पैटर्न नहीं बना है, इसके बाद साइन लगाएंगे प्लस का, यहाँ हो जाएगा 1/1 यानी कि 1/2, और इसका लास्ट लेंगे 1/9 माइनस 1/9। ये 1/9 इसलिए दिया हुआ था कि लास्ट में 1/9 माइनस का आएगा, ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/2। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप नंबर वन, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, ये 1 से लेकर के 4 तक वन टाइप हो गया, ये कुछ अलग है,
आपको अभी तक ये लग रहा होगा इसमें वन वन का गैपिंग था, लेकिन इसमें तो टू का गैपिंग है, टू इंटू फोर, फोर इंटू सिक्स, सिक्स इंटू एट, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है 18 इंटू 20। जब टू टू का गैपिंग होगा इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ट्रिक वही लगाएंगे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, वन अपॉइंट में टू इंटू फोर, वन अपॉइंट में फोर इंटू सिक्स, इसके बीच में गैपिंग कितने का है, टू का। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक तो यही लगाएंगे, इसमें बस थोड़ा सा एक और डिफरेंस हो जाएगा, इस ट्रिक में वन अपॉइंट में डिफरेंस एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, जितने का भी डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो टू का डिफरेंस है तो वन अपॉइंट में टू इंटू, फिर उसके बाद ट्रिक वही रहेगा, वन बाय फर्स्ट और माइनस वन बाय लास्ट, ये हो जाएगा आपका वन बाय टू और माइनस वन अपॉन में ट्वेंटी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा वन बाय टू, ट्वेंटी में से टू चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू जा फोर्टी, वन बाय टू इंटू ट्वेंटी में से टू जाएगा तो होगा आपका एटीन, डिवाइडेड बाय फोर्टी, ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज नाइन डिवाइडेड बाय फोर्टी। ओके सेम यहाँ पर है, वन अपॉन में वन इंटू फोर, वन अपॉन में फोर इंटू सेवन, वन अपॉन में सेवन इंटू टेन, डॉट डॉट डॉट, वन अपॉन में थर्टीन इंटू सिक्सटीन, इसमें कितने गैपिंग है, थ्री का गैपिंग है। तो हम क्या करेंगे वन बाय थ्री को बाहर निकालेंगे जितने का डिफरेंस होगा, क्योंकि वन बाय डिफरेंस फिर लिखा हुआ है इंटू वन बाय फर्स्ट माइनस वन बाय लास्ट, तो इसमें थ्री का डिफरेंस है, हमने क्या किया वन बाय थ्री को बाहर निकाला, फिर वन बाय फर्स्ट वन बाय वन माइनस वन बाय लास्ट, यहां पर लेंगे वन बाय सिक्सटीन, ये हो जाएगा वन बाय थ्री, सिक्सटीन में से वन को माइनस करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे और वन को जब सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वन बाय सिक्सटीन, ये हो जाएगा वन बाय थ्री इंटू फिफ्टीन बाय सिक्सटीन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटीन। तो आपने ये देखा क्वेश्चन चाहे किसी भी पैटर्न का हो लेकिन ट्रिक एक ही रहेगा, अगर डिफरेंस वन वन का है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं वन बाय फर्स्ट माइनस वन बाय लास्ट, अगर डिफरेंस बीच में दो का हो तीन का हो तो आप वन बाय डिफरेंस इंटू वन बाय फर्स्ट माइनस वन बाय लास्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।